हाय फ्रेंड कैसे हो मैं धर्मवीर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द टाइम्स सीजून में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज में हम दो भाग कंप्लीट कर चुके हैं और आज होगा हमारा भाग थर्ड तो दोस्तों आइए देखते हैं भाग थर्ड को पार्ट थर्ड पर और पार्ट थर्ड पर जनसंख्या पर और आबादी पर और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चनों कवर करेंगे देखेंगे दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चनों कवर करेंगे दोस्तों जो दो वीडियो हमारी पहले आई हुई हैं उसमें हमने क्वेश्चनों को व्हाइट बोर्ड पर लिखा है क्योंकि उसमें लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और समझने में काफ़ी दिक्कत आती है तो दोस्तों इसलिए हमने डिजिटल माध्यम से आज के लिए चलते क्वेश्चन ऊपर कराएंगे देख... देखते हैं दोस्तों आपको स्क्रीन दोस्तों आपको स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों चलते क्वेश्चन पर देखते हैं एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के पचपन परसेंट मत मिले जिसमें जिसमें उसे जिसमें कुल मतों के दो परसेंट मत अवैध घोषित कर दिए गए दोस्तों जो उसे मत मिले वोट मिले उसमें दो परसेंट मत अवैध घोषित मतलब कैंसिल कर दिए गए तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या एक लाख चालीस हज़ार रही हो तो उस उम्मीदवार को उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े तो दोस्तों कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है एक लाख चालीस हज़ार अब इसमें से दो परसेंट मत कितने हो गए अवैध हो गए तो दोस्तों परसेंट कितना होता है हमारा सौ परसेंट होता है दो परसेंट मत अवैध हो गए तो कितने बजे से हमारे नाइन्टी एट परसेंट बटे परसेंट के लिए सौ अब नाइन्टी एट परसेंट और इनका ये क्या दोस्तों ये हमारे कुल दोस्तों मत यह हमारे कुल वैद मत।, मत आ गए अब वो कह कुल वैद मतों को पचपन परसेंट मिले इसका पचपन परसेंट आप निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा दो जीरो दो जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो पाँच पाँच ग्यारह पाँच पचपन और पाँच दूनी दस अब काट लो इसे चार दूनी आठ एक बचा और चार दोन अठारह कितना उनचास आप कर लो गुणा एक सौ चार गुणा उनचास गुणा ग्यारह कर लो गुणा इसकी एक सौ चार गुणा उनचास चार छत्तीस छत्तीस और नौ नौ गुणा चार चौक सोलह और चार कितना छः नौ दस और कितना पाँच कितना आ गया पचास छियानवे गुणा ग्यारह अब दोस्तों ग्यारह से गुणा करने की क्या है ट्रिक क्या हमारी छः लिखेंगे और नौ छः पंद्रह यहाँ जीरो तो जीरो आएँगे हाँ लिखे एक पाँच और एक छः और ये वाला पाँच कितना छप्पन जीरो छप्पन अब देखते हैं छप्पन जीरो छप्पन ऑप्शन इसका दोस्तों इसमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों तो आप इसका छप्पन जीरो छप्पन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर इसका कैंसर आएगा छप्पन जीरो छप्पन अब देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा थोड़ा ये गीला हो गया है देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दोस्तों हमारा देखिए आप स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया उनमें एक को साठ परसेंट मतलब दो उम्मीदवार है फर्स्ट और सेकंड एक को साठ परसेंट एक को साठ परसेंट और बहस एक को साठ परसेंट मिले और वह सोलह सौ मतों से जीत गया तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी तदानुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी और सोलह सौ मतों से दोस्तों क्या जीत गया ये क्या दोनों का अंतर भाई अब एक बात बताइए दो कैंडिडेट हैं एक को साठ मिले तो एक के को कितने मिले होंगे दोस्तों क्या एक को सौ परसेंट होता हमारा एक व्यक्ति को साठ मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे चालीस परसेंट दूसरे को चालीस परसेंट अब क्या होगा दूसरे को चालीस परसेंट अब ये क्या है ये जीतने वालों को मिले अब देखो जितना मालूम कितना परसेंट मिला है कितने परसेंट अधिक वोट मिले तो यहाँ से कितने बीस परसेंट अधिक अब कम हो या अधिक हो हमें अंतर ही लेना ठीक है इन दोनों का अंतर ही होगा अधिक बोलता तब भी ये कंडीशन होती है और कम बोलता तब भी ये कंडीशन होगी अब बीस परसेंट बराबर कितना हो गया हमारा सोलह सौ अब दोस्तों एक परसेंट का माल निकाल लीजिए अब 1 एक परसेंट बराबर कितना होगा सोलह सौ बटे बीस एक जी सी जू कट गया और आठ दूनी सोलह मतलब एक परसेंट का मान कितना आ गया हमारा एक परसेंट का मान हमारा आ गया अस्सी एक परसेंट का मान अस्सी है तो आप जो मत पड़े होंगे वो सौ परसेंट पड़े होंगे तो सौ परसेंट मत कितना होगा दोस्तों कितना अस्सी ये और दो जीरो ये सौ 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 कर दीजिए आप गुणा या आप डाल लिख दीजिए कितना आठ हजार तो दोस्तों आठ हजार तो कुल मत कितने पड़े जो पोलिंग हो रहा था उसमें मत कितने पड़े कुल आठ हजार तो दोस्तों देख लेते कौन सा आंसर सही इसका ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन okay. दोस्तों पहले जो पहले की वीडियो हमें उनमें क्वेश्चन को लिखा है और लिखने में हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों अब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवनेस आ रहा है अब जैसे जैसे आप हमें प्यार देते जाओगे और वैसे वैसे हम सुविधा आपके लिए प्रोवाइड कराते जाएंगे तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्या कह रहा है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे उनमें एक उम्मीदवार को चालीस परसेंट मत मिले जो क्वेश्चन हमने अभी किया है वो सेम क्वेश्चन दोस्तों केवल संख्या ही अलग है कैंडिडेट कितने दो दो कैंडिडेट एग्जाम में जो सवाल आएगा हमारा वो दो ही कैंडिडेट पर आएगा बहुत रेयर केसों में ये तीन कैंडिडेट पर आया ना दो ही कैंडिडेट पर अक्सर सवाल पूछा जाता है दो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे उनमें एक उम्मीदवार को चालीस परसेंट मिले आप कोई से को फर्स्ट को सेकंड को आप कोई ला सकते हो एक को चालीस परसेंट मिले तो आप मुझे बताइए दूसरे, दूसरे को कितने मिले होंगे दूसरे को साठ परसेंट मिले होंगे घाई सी बात कितना होता हमारा सौ परसेंट एक व्यक्ति को चालीस मिलेंगे तो दूसरे को साठ परसेंट मिले होंगे तो देखते हैं वे एक अन्य उम्मीदवार से दो मतों से हार गया हार गया हार गया बोले कम बोलता अधिक बोलता है या कम प्राप्त या अधिक प्राप्त किए तो क्या दोस्तों हमें अंतर मानना है ठीक है हमें क्वेश्चनों को ना, ना कि हमें पोलिंग चुनाव को जीतना है कितना अब यहाँ अंतर देखिए कितना बीस बीस परसेंट मान कितना दे? दोस्तों इसमें दो सौ अट्ठानवे आप एक परसेंट की आप बेट निकाल लीजिए एक परसेंट बराबर कितना दो सौ अट्ठानवे बटे बीस अब दोस्तों क्या करेंगे अब ये एक परसेंट का मान दो सौ अट्ठानवे इन बीस है और हमें निकालना है कि तदानवे डालेगा कुल मतों की जो हमारा पोलिंग हुआ था उसमें कितने वोट पड़े हैं तो बत वोट कितने पड़े होंगे सौ परसेंट कोई भी काम हमारा सौ परसेंट होता है काट लीजिए बीस मंजे सौ अब कितना आ गया एक परसेंट बराबर अब दो सॉरी अब तो सौ परसेंट आ गया ना सौ परसेंट बराबर कितना हो गया दो सौ अट्ठानवे गुणा पाँच कर लो गुणा पाँच चालीस चालीस का चार पान पान पैंतालीस पैंतालीस और चार उनचास उनचास चार हासिल गया चार और पाँच दो दस दो सौ चार चौदह कितना चौदह सौ नब्बे दोस्तों चौदह सौ नब्बे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कितना चौदह सौ नब्बे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जो कुल बोर्ड कितने पड़े थे चौदह सौ नब्बे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से हम हटा देते हैं दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों क्या होगा हमारा एक, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे ये भी आप चुनाव पे दोस्तों मैं चुनाव के दो तीन क्वेश्चन किस लिए ले आया कि मैं अगर आपको एक दो क्वेश्चन बता देता तो आपका कंसेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाता मैं आपके लिए दो या तीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें भी चुनाव वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं जितने भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं जो तुम करते हो टोटल क्वेश्चन आप कर सकते हो इस तरीके से अब देखते हैं एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक्स माने की जरूरत नहीं है बिदा, बिता विदाउट एक्स होगा दोस्तों एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक उम्मीदवार को अड़तीस परसेंट मत मिली भाई कितने है? एक फर्स्ट एक सेकंड उम्मीदवार एक उम्मीदवार को कितने मिले अड़तीस परसेंट मिल मत मिले तो दोस्तों सेकंड उम्मीदवार को कितने मत मिलेंगे बताइए आप एक को अड़तीस मिल गए अब मैंने आपको पहले बताया था कि सौ परसेंट होता है अड़तीस में सौ घटाओ कितना बन गया कितना बासठ परसेंट कितना सिक्सटी टू परसेंट सेकेंड उम्मीदवार मिला है अब ये बोला है और उसे बहत्तर सौ मतों का नुकसान हुआ मतलब वो हार गया नुकसान हुआ अधिक बोले कम बोले मैंने बताया अंतरी होगा अब यहाँ अंतर देख लीजिए कितना अंतर है यहाँ पर कितना अड़तीस बारह में से चार और कितना चौबीस का चौबीस परसेंट बराबर कितना हमारा सेवन टू टू और डबल जीरो मतलब बहत्तर सौ अब ये क्या चौबीस परसेंट यहाँ से हम एक परसेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक परसेंट बराबर कितना होगा हमारा बहत्तर सौ बटे चौबीस यार दो, दोस्तों ऐसे काट दो आप चौबीस दिए बहत्तर हमें क्या सॉल्यूशन तो देना है हमें तो आंसर चाहिए ना कितना क्या एक परसेंट बराबर कितना तीन सौ एक परसेंट बराबर तीन सौ क्या तीन सौ आंसर है नहीं सॉरी अभी तो सौ परसेंट निकलेगा ना तो एक परसेंट मान कितना तीन सौ आ गया अब निकालना है सौ परसेंट का मान तो सौ परसेंट सौ परसेंट के लिए हम क्या करेंगे तीन सौ तो ये और दो जीरो और कितना हो गए तीस हजार देख लेते हैं ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों डी इसका राइट आंसर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इन दोनों में से आप कोई सा काम नहीं करते हो तो केवल वीडियो को आप शेयर कर दे इतना ही हमारे लिए बहुत होगा दोस्तों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक गांव की आबादी 20 परसेंट प्रतिवर्ष की दर से घट रही है एक गांव की आबादी 20 परसेंट की दर से घट रही है यदि दो वर्ष पूर्व उसकी आबादी एक लाख थी तो वर्तमान अवधि क्या है मतलब क्या हो डिक्रीज हो रही है उसकी आई डिक्रीज हो रही है उसकी जनसंख्या देख लेते हैं दोस्तों इसको फ्रैक्शन मेथड करेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं देखो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको पहले देंगे जिससे हमें एग्जाम में करना है वो कौन सा होगा और जिससे हमें एग्जाम में अगर इसको मेथड को भूल जाते हैं दोस्तों ये मेथड ऐसा है हमें फ्रैक्शन वाला ये मैंने बताया आपको कई वीडियो में कि ये मेथड हमारे चार या पाँच चैप्टर को मतलब आधी मैथ को मतलब तीस परसेंट मैथ को क्या करता है सोल्व करता है देखते हैं देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा जिसका इसका रोटेड हट रहा है रोटेड रोटेड करते हैं दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक गाँव की आबादी बीस परसेंट प्रति वर्ष की दर से घट रही है यदि दो वर्ष पूर्व इसकी आबादी यदि दो वर्ष पूर्व उसकी आबादी एक लाख थी तो वर्तमान आयु अवधि क्या है देखते हैं बीस परसेंट मतलब बीस परसेंट दर से घट रही है तो करना क्या है आपको बीस बटे सो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है बीस पंजे सो एक बटा पाँच एक बटा पाँच अब करना क्या है पाँच थी और एक घट रही है वर्तमान पाँच है और एक घट रही है तो मतलब पहले और वर्तमान निकालो पाँच और अब वर्तमान में अब घट रही है तो वर्तमान कम होगी ना होगी तो कितनी कितनी कम होगी यहाँ पे एक कम होगी तो कितना चार रहेगी अब वर्ष कितना बोला उसने दो वर्ष बोला है तो आप दो से कर दीजिए इसका स्क्वायर चार पर पाँच को दोबा लीजिए तब भी हो जाता तुम्हारा अगर दो वर्ष बोल रहे हैं दो वर्ष तीन वर्ष बोल रहा है तीन वर्ष और चार वर्ष बोल रहा है तो चार वर्ष कैसे भी जिंदा जितनी वर्ष होगी उतना हम उसका होल वैल्यू करेंगे पाँच कितना होगा पच्चीस और चार का सोलह पहले हम एक का मान फाइंड कर लेते हैं अब देखो सवाल में कौन सी ये पहले की है या वर्तमान की इसने जनसंख्या कौन सी दे रखी पहले देखी वर्तमान की उसने एक जनसंख्या जरूर दे रखी होगी जब पहले की दे रखी हुई जो हमारी वर्तमान दे रखी हुई तो देख लेते हैं इसमें हमारा उसकी पहले आबादी पूर्व आबादी कितनी थी एक लाख कितने चार जीरो सही है अब पच्चीस रुपए कितना हमारा इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस दस हजार दोस्तों एक लाख नहीं है शायद हाँ दस दस हजार है दोस्तों जीरो कट रहा है हाँ दस हजार है दस हजार अब काट लो 25 का सौ और दो जीरो मतलब एक बराबर कितना मार गया चार सौ अब एक कमान चार सौ आ गया कितना आ गया एक बराबर चार सौ आ गया एक मान जब चार सौ आ गया तो ये हमारे पहले की है और ये वर्तमान की तो पच्चीस थी और सोलह रहेगी और एक का मान चार सौ है तो एक का मान एक बराबर चार सौ तो दो सौ सोलह बार कितना होगा तो सोलह गुना चार सौ कितना हो गया सोलह चौका चौंसठ चौंसठ और डबल जीरो कितना चौंसठ सौ देखते हो ऑप्शन में चौंसठ सौ है ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर है तो दोस्तों चलते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैंने बताया आप इन दोनों में से आप कोई से काम नहीं करते हो तो कृपया प्लीज़ इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा यदि एक नगर की जनसंख्या दोस्तों अभी जो क्वेश्चन का है सेम क्वेश्चन है उसका यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है चौंसठ हज़ार है उसमें दस परसेंट वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है वहाँ कमी हो रही थी यहाँ वृद्धि हो रही है सवाल वैसा ही है कोई दिक्कत ना तो दस बटे शो कर लेते हैं आप काट दो जीरो जीरो एक बटे दस दस में कितनी वृद्धि हो रही है एक की अगर वृद्धि बोल रहा है तो यहाँ वृद्धि हो गई है और सवाल में कमी बोला तो ये कमी होगी फ्रैक्शन में अब देखते हैं तीन वर्ष बाद उसकी नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी तीन वर्ष बाद ये वर्तमान वर्तमान और बाद जैसवाल दे रखा उसको हम लिख देंगे ये लिख रहे हैं ठीक है थीके? जब आप करोगे तो लिखोगे ना ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं जब आप करोगे तो डायरेक्ट इसको फिनिश कर दोगे अब देखते हैं दोस्तों वर्तमान तो दिन दस और तीन साल बाद तीन साल बोला सवाल तीन साल बाद कितनी होगी अभी एक बढ़ की कितनी ग्यारह अब मैंने आपको बताया दो वर्ष हो तो स्क्वायर और तीन वर्ष हो तो क्यू अब दोस्तों क्यू आपको भर कहमूल आपको याद होगा दस का क्यू कितना होगा एक हजार और ग्यारह का तेरह सौ इकतीस अब ये आयु ये सॉरी आयु नहीं किया जनसंख्या मैं आयु बोल गया ये जनसंख्या वर्तमान की यहां देखो वर्तमान कितना है वर्तमान दस हजार है तो जो हमारा अगर बात देखो अगर सवाल हम बाद ही दे रखे हो तो बाद से कंपेयर कराएंगे अगर सवाल हम वर्तमान में दे रखे हो तो वर्तमान से कंपेयर कराएंगे तो एक है बराबर कितना हमारा कितना चौंसठ सौ चौंसठ सौ तीन जीरो से तीन जीरो ख़त्म कितना एक बराबर चौंसठ एक कमान चौंसठ आ गया अब देखो क्या पूछा इसने तो उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी मतलब कितनी बढ़ गई अब तेरह क्या करेंगे गुणा कर दो यहाँ पर कितने चौंसठ से चार और तीन चौक बारह हासिल गया एक तीन चौक बारह बारह तेरह हासिल के एक चार एक पाँच कर दो गुणा छः छः तीन अठारह हासिल गया एक छः तीन अठारह एट उन्नीस हासिल गया एक छः तीन सात चार और छः और दो आठ तीन और आठ ग्यारह ग्यारह का एक हासिल के एक छः और पंद नौ पंद्रह हाँ सक और आठ कितना हो गया पिचासी हजार एक सौ चौरासी पिचासी हजार एक सौ चौरासी दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है तीन साल बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी पिचासी हजार एक सौ चौरासी तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों एक नगर की जनसंख्या पंद्रह हजार है अभी कितनी है दोस्तों पंद्रह हजार जैसे सवाल में कुछ नहीं है पंद्रह जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम करते चले आएंगे सवाल में कुछ एक्स्ट्रा चीज हमें नहीं करनी है अब क्या है यदि उसमें पुरुषों की संख्या में आठ और स्त्रियों की संख्या में दस परसेंट की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर तिरसठ सौ सो? सॉरी सो, सोलह हजार तीन सौ हो जाती है तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की जन संख्या क्या है आप इसको क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन वाले मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है और दो बार अलग अलग पुरुषों में अलग हो रही है महिलाओं में अलग हो रही है दोस्तों जब ऐसी कंडीशन बने तो आपको एलिगेशन को प्रयोग कर देना देखिए इस सवाल को इस सवाल की रूपरेखा इस सवाल की रूपरेखा को पहचानते हुए आपको माइंडवेक से बनेगी एलिगेशन की तो देखते हैं एलिगेशन की लिख लेते हैं पुरुष पुरुष और क्या स्त्री पुरुष में आठ परसेंट वृद्धि हुई और महिलाओं कितनी हुई महिलाओं भाई दस परसेंट वृद्धि अब एक औसत परसेंट औसत वृद्धि होती है अब औसत वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों पंद्रह सौ थी पंद्रह हजार थी और बढ़ कितनी गई सोलह हजार तीन सौ बढ़ गई अब देखिए अब यहाँ पर देखिए पंद्रह हजार थी सोलह हजार तीन सौ बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई तेरह सौ आप यहाँ से परसेंट निकाल लिए बटे कित किससे बढ़ी है पंद्रह सौ से काट दो गुणा सौ परसेंट के लिए दो जीरो दो जीरो काट दो हाँ सोलह तीन सौ सो, काट दो अब कई बार कटेगा ये हमारा तीन सौ कटे पाँच से कटेगा पाँच से कटे पंद्रह से, से। काट दो तीन से तीन पंजे पंद्रह और तीन पंज पंद्रह हो गया सॉरी दोस्तों एक जीरो यहाँ पर रह गया एक जीरो यहाँ पर रह गया कितना है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आप काटिए तीन पंज पंद्रह और यहाँ पर पाँच पाँच धुनी दस कितना यहाँ पर हमारा पाँच धुनी दस और बचा तीन और छः पंज तीन कितना गया छब्बीस बटे तीन परसेंट अब करना क्या दोस्तों ये आठ है ये दस है ये छब्बीस पॉइंट छब्बीस बटे तीन परसेंट है तो इस तीन को ख़त्म करने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों इस तीन को खत्म करने के लिए सभी में तीन तीन से गुणा कर देना होगा हमें तीन सौ गुणा यहाँ कर दो और तीन सौ गुना यहाँ कर दो और तीन से यहाँ पर अब देखिए आप तीन से तीन हो कंसलोगे हमारा और तीन अट्ठे चौबीस मैं यहाँ पर आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ चौबीस परसेंट और कितना हो गया हमारा तीस परसेंट और कितने हो गए छब्बीस परसेंट अब दोस्तों एलिगेशन नियम ये कहता है कि जब दो परसेंट दे रखी हो और जो औसत हो वो एक से कम और एक से अधिक हो चाहिए ऐसा ना हो कि दोनों से अधिक हो दोनों से कम हो उसमें एलिगेशन नहीं लगेगा अब यहां पर एलिगेशन का प्रारूप यहां पर एलिगेशन का स्ट्रक्चर बन गया देख लेते हैं तीस में से छब्बीस गया चार परसेंट और चौबीस में छब्बीस गया दो परसेंट काट दो परसेंट हटा दोपात दो एक परसेंट परसेंट कैंसिल दो अनुपात एक जो हमारी स्त्री पुरुष हैं कितने दो अनुपात एक हैं और वास्तव में कितने दोस्तों पंद्रह सौ तो दो रे तीन तीन बराबर पंद्रह सौ सॉरी पंद्रह हजार दोस्तों पंद्रह सौ बोल रहा हूँ हर बार में से पंद्रह सौ पंद्रह हजार काट लो तीन पंजे पंद्रह एक बराबर पाँच हजार एक कमा दोस्तों पाँच हजार आ चुका है अब आप, आप उसने केवल स्त्री में बुझिए आप पुरुष की बता सकते हो एक कमा कितना पाँच हज़ार तो स्त्री तो हमारी पाँच हज़ार होगी भाई स्त्री हमारी होगी पाँच हजार और पुरुष बुझिएगा तो कितने हो गए पाँच दो दस दस हजार कितने दस हजार अब आप जोड़िए दस हजार पाँच हजार पंद्रह हजार दस हजार पुरुष और पाँच हजार स्त्रियाँ दोस्तों इस सवाल को क्या पूछा है केवल स्त्री बूझिए तदानुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या होगी कितनी है ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर दोस्तों जरूर करें अपने ग्रुपों में और अपने फ्रेंड्स को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दो संख्याएं तीस संख्या से क्रमशः तीस परसेंट और चालीस परसेंट अधिक है पहली संख्या दूसरी संख्या का एक्स परसेंट है तो संख्या पता नहीं पहले संख्या निकाल लो दोस्तों अधिक से सवाल ग्रुप डी में या फिर एम में पूछे जाते हैं तो देखते हैं अब ये कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या तीस संख्या का एक तीस परसेंट अधिक है एक चालीस परसेंट अधिक है तो तीस संख्या हम पता ना अब यहाँ पर एक्स नहीं मानना है ठीक है एक्स माना हो तो एक्स एक्स इक्वेशन एक, एक बनाएगी ठीक है करना क्या है मैं सौ मान लेना है ये सौ तीस संख्या तो दूसरी क्वेश्चन होगी मेरी कितना दी बोला इसने तीस एक तीस, और दूसरा चालीस एक सौ चालीस अब निकाल लो यहाँ पर अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का एक्स पर पहली संख्या दूसरी संख्या का एक्स परसेंट है और बटे सो काट लो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो गया अब करना क्या है पाँच से काट ले दोस्तों दो से काट लेते हैं दो सत्ते चौदह और दो पंजे दस अब कितना हो गया यहाँ पर सात एक्स बराबर तेरह पंजे पैंसठ और छः सौ पचास कार्ड दो पर पे एक सौ बराबर छः सौ पचास बटे सात कार दो कार्ड दो ऐसे एक सौ बराबर कैसे कितने घट जाएगा तेरह नहीं सात से नहीं आएगा सात ने तिरसठ नौ गया कितना बचा दो दो बचा और बीस हो गया आ, बीस हो गया सात दो नहीं चौदह कितना बचा बीस में से चौदह गया तो छः अब छः को सात से भाग जाएगा नहीं तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा बानवे सही छः बटे सात वह संख्या बानवे सही छः बटे सात सही है देख लेते तो हैं ऑप्शन ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा देखते नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखो यदि एक संख्या दस परसेंट कम कर दिया है तो वह चौवन हो जाती है तदनुसार उसे बहत्तर करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी लगा दीजिए फ्रैक्शन वाले में छाप दस वटे मैंने क्या बताया दस बटे सौ काट दो एक बटा दस दस में से कितने कम हो रहा है एक कम हो रहा है दस और पहले दस थी अब कितनी होगी नौ होगी तो भैया चौवन हो जाती है तो भाई चौवन हो जाती है नौ बराबर कितना हो गया नौ बराबर कितने हो गया नौ बराबर चौवन अब आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं नौ छः चौवन एक बराबर छः तो तदाउन उसे उसे बहतर करने के लिए उसे कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी दोस्तों संख्या निकालनी पहले संख्या कौन सी है ये वाली तो ही नहीं वाली अब कितनी हो गई आप हमारी एक का वैल्यू छः तो दस का वैल्यू कितना होगा साठ साठ है अब कह रहा है उसे बहत्तर करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी साठ थी उसे बहत्तर करना है कितना बढ़ाना है इससे बारह हमें बढ़ाना है तो बारह बटे किससे बढ़ाना है इससे बटे साठ गुणा सौ काट दो आप एक जीरो से जीरो और छह दुनी बारह और दस दुनी बीस दोस्तों उस संख्या में आपको बीस परसेंट की वृद्धि करनी होगी तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा और ये दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसी संख्या को पच्चीस परसेंट कम करने पर लगा दीजिए आप फेशनबल मेथड किसी संख्या को पच्चीस परसेंट कम करने पर कर दो एक बटा चार चार थी और एक आप कम कर दीजिए तो चार से कितनी आएगी तीन अब कह रहा है करने पर दो सौ पच्चीस प्राप्त होता है क्या यहाँ कितना प्राप्त हुआ दोस्तों यहाँ एक कम करें तीन प्राप्त हो रहा है और सवाल में बोला है कि दो सौ पच्चीस प्राप्त होता है तो दो सौ तीन बराबर कितना दो सौ पच्चीस अब आप काट लीजिए तीन सत्ते इक्कीस कितना बचा एक और तीन पंजे तीन सत्ते इक्कीस एक, एक बचा और तीन पंजे पंद्रह एक बराबर कितना आ हमारा पिचहत्तर एक बराबर पिचहत्तर आ गया अब कह रहा है एक बराबर पिचहत्तर आ गया जब तक कि अब कह उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए ताकि वह तीन सौ पिचहत्तर हो जाए कितने हो जाए तीन सौ पिचहत्तर हो जाए अब संख्या देखनी पहले कितनी थी एक का मान तीन स... एक का मान पिचहत्तर आ गया तो संख्या आप निकाल लीजिए कर दो चार सौ चार पे बीस हासिल किया दो और सात सौ का अट्ठाईस अट्ठाईस और दो तीस कितना तीन सौ तो संख्या तीस थी अब उस समय पचहत्तर तीन सौ का नाम कितना बढ़ाना होगा पचहत्तर बटे तीन सौ और परसेंट के लिए सौ काट दो ही दो जीरो और पच्चीस दियाँ पचहत्तर कितना उस संख्या में हमको पच्चीस परसेंट की क्या करनी होगी वृद्धि करनी होगी देख लेते हैं ऑप्शन और ऑप्शन इसका ये राइट आंसर है दोस्तों दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू धन्यवाद